जलवायु संकट, अपने पर्यावरण को बचाइए वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारी पृथ्वी पर खतरा मंडरा रहा है, ये बातें आए दिन सुनाई देती हैं। आइए हम आज समझते हैं इन बातों का क्या महत्व है और क्यों यह बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। एक सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण तुलना के माध्यम से इन बातों के प्रभाव को समझाने का यह प्रयास है। एक सेहतमंद इंसान के शरीर का तापमान होता है 36.6 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 97.8 फ़ारेनहाइट, और अगर यही तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 38.6 डिग्री सेल्सियस हो जाए, यानी कि 101.48 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, तो इंसान को तेज बुखार हो जाता है। और बुखार में क्या हालत होती है यह बताने की जरूरत नहीं है। मतलब तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस का हेर फेर हुआ और एक सेहतमंद इंसान बीमार हो गया। बस अपनी जगह अब आप पृथ्वी को रख लीजिए, उसका तापमान अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो उसे बुखार हो जाएगा, और इसके बाद धरती पर रहने वाले इंसानों और लाखों जीव जंतुओं का क्या होगा, ये सोच। आज हमारी धरती जिन संकटों को झेल रही है उसकी शुरुआत होती है 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में, जब इंसान ने बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधनों यानी कोयला, डीजल, पेट्रोल और जमीन से निकलने वाले दूसरे पेट्रोलियम पदार्थों और प्राकृतिक गैसों को इस्तेमाल करना शुरू किया। तब से लेकर अब तक पृथ्वी के तापमान में औसतन 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। कुछ जगहों पर यह वृद्धि और भी ज्यादा दिखती है, जैसे कि बर्फ की चादर से ढके आर्कटिक में। रिसर्च बताती है कि इस इलाके में 1971 से लेकर 2019 के बीच तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। इसी साल ब्रिटिश अनुसंधानकर्ताओं ने अपने एक अध्ययन में पाया कि आर्कटिक में 1994 से लेकर 2017 के बीच 28,000 टन बर्फ पिघल चुकी है। ये इतनी बर्फ है कि पूरा ब्रिटेन 100 मीटर बर्फ की चादर में ढक जाए। ये बर्फ पानी बनकर हमारे समंदरों का जल स्तर बढ़ाती है और इससे दुनिया के कई बड़े शहरों के डूबने का खतरा पैदा होता है। तापमान बढ़ने से जलवायु में आ रहे परिवर्तन का असर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न रूपों में सामने आ रहा है। कहीं बाढ़ और तूफान आ रहे हैं तो कहीं सूखा है, कहीं पीने का पानी नहीं मिल रहा तो कहीं पानी की कमी के कारण फसलें बर्बाद हो रही है। इससे खाने का संकट पैदा हो सकता है। संकट से केवल इंसान नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर रहने वाले लाखों जीव जंतु और पेड़ पौधे सब प्रभावित होते हैं। संकट सभी पर है लेकिन इसकी वजह केवल इंसान और उसका लालच है। बीते 125 सालों में पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। आशंका इस बात की है कि इस सदी के आखिर तक यानी सन 2100 तक ये तापमान वृद्धि 2 से लेकर 2.2 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकती है। सन 2015 में हुए पेरिस जलवायु समझौते में दुनिया भर के देशों ने ये वादा किया था कि वो तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकने के लिए कदम उठाएंगे, लेकिन दुनिया अभी जिस हिसाब से चल रही है उसे देखकर तो लगता है कि अगले 15 सालों में ही 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। 1.5 से 2 के बीच फासला केवल आधे डिग्री का है, लेकिन इतने से अंतर के भी परिणाम भयावह होंगे। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के पैनल IPCC ने 600 पेज से ज्यादा की रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें यही बताया गया है कि सदी के आखिर तक पृथ्वी के तापमान में जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से पहले के स्तर के मुकाबले 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से क्या बदलाव होगा। पैनल ने चेतावनी दी है कि अगर तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो दुनिया के 37% लोग हर 5 साल में एक बार भीषण गर्म लहर का सामना करेंगे। तापमान बढ़ने से सागरों और उसमें रहने वालों जीवों पर भी असर होगा। समंदर से पकड़ी जाने वाली मछलियों की मात्रा में 30 लाख टन की कमी हो सकती है। पौधों की 16% प्रजातियां खत्म हो सकती है।
कीटों की 18% प्रजातियां खत्म हो सकती है। और अगर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री पर रोका जाए तो 5 साल में एक बार गर्मी की भीषण लहर झेलने वालों की संख्या 14% होगी। समंदर से पकड़ी जाने वाली मछलियों की मात्रा में कमी 15 लाख टन के आसपास हो सकती है। और पौधों की प्रजातियां खत्म होने का नुकसान 8% तक होगा। कीटों की 6% प्रजातियां खत्म हो सकती है। कुल मिलाकर पृथ्वी के तापमान में थोड़ी सी वृद्धि भी इंसानों और दूसरे जीव जंतुओं पेड़ पौधों के लिए बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। सबसे गंभीर समस्या उन देशों में है जो समुद्र में छोटे छोटे द्वीपों में बसे हैं। बड़े देशों में भी तटीय इलाकों में रहने वाले लोग मुश्किलें झेल रहे हैं और यह हालत अभी के हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा मुश्किलें भी बढ़ेंगी। इन हालातों से भारतीय रेल भी अछूती नहीं है, पर गर्व की बात यह है कि हमारी भारतीय रेल शुरुआती दौर से ही पर्यावरण के प्रति सजग है। जैसे शुरुआती दौर में चलने वाली रेलगाड़ियां भाप के इंजन से चलती थी जिसमें कोयले का उपयोग होता था। अपनी सजगता को दर्शाते हुए भारतीय रेल ने इन भाप के इंजनों को उपयोग से बाहर कर डीजल इंजन को अपनाया और यही अपग्रेडेशन का प्रयास जारी रखते हुए आगे चलकर विद्युत और अब ग्रीन हाइड्रोजन की ओर अग्रसर हो रही है। साथ ही साथ प्रशासकीय इमारतों पर सोलर पैनल लगाकर राज्य सरकारों पर बिजली हेतु निर्भरता को काफी हद तक कम किया है। इस प्रकार से भारतीय रेल ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने का यथासंभव प्रयास किया है। ऑनलाइन टिकटिंग के माध्यम से पेपर टिकट की खपत लगभग खत्म होने की कगार पर है, जिसके कारण पेड़ों की कटाई में यकीनन कमी आई है। यात्री कोचेस को बायो टॉयलेट प्रयुक्त कर भारतीय रेल ने ओपन डिफिकेशन पर रोक लगाते हुए रेल परिसर तथा रेल ट्रैक पर गंदगी के कारण इंसानों तथा जानवरों को प्रभावित करने वाली बीमारियों पर अंकुश लगाया है। भुसावल मंडल में ही वन विभाग की मदद से मियावाकी जापानी तकनीक से 4 स्थानों पर डेंस फॉरेस्ट बन चुके हैं, जो कि कम क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन निर्माण करने वाले पेड़ों से आच्छादित है। पर्यावरण के प्रति सजगता में हमारा क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान भुसावल भी पीछे नहीं है। हमारे पास 4KLD क्षमता वाला STP अर्थात सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसके प्रयोग से हम छात्रावासों तथा भोजनालय के दूषित पानी को साफ करके बागवानी हेतु इस्तेमाल करते हैं। हमने भी अपनी प्रशासनिक इमारत पर सोलर पैनल लगाए हैं, जिसकी सहायता से हम स्वयं सालाना 5.5 लाख यूनिट बिजली का निर्माण करते हैं। विशेष अवसरों पर वृक्षारोपण करना हमारे संस्थान की परिपाटी है एवं समय समय पर संस्थान में आने वाले सम्मानित अतिथियों के कर कमलों द्वारा भी वृक्षारोपण किया जाता है। इसी श्रृंखला में आइए आज हम सभी यह प्रण लें कि वर्ष 2030 तक स्वच्छ पानी, स्वच्छता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, जल थल पर रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीवाश्म के प्रति सजगता को बढ़ावा देते हुए सतत विकास लक्ष्यों के संकल्पों को हासिल करने का बढ़ चढ़ कर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।